एक बहुत ही बड़ा प्रचंड जनमत दिया है। और इन जनमत के साथ, जन आदेश के साथ जन अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए और विशेष करके 2022 जब आजादी के 75 साल देश मनाने जा रहा है, ये अवसर अपने आप में 130 करोड़ देशवासियों का अवसर बने। आजादी के आंदोलन में जैसे हर देशवासी कोई न कोई संकल्प करता था, वैसा हर देशवासी देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए कुछ करने के लिए संकल्प करें और जीवन में उसको उतार करके दिखाएं, ऐसा अवसर 2022 हमारे सामने है। ये वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का भी है और ये वर्ष गुरु नानक देव जी के 550वें वर्ष का भी है। यानी एक प्रकार से बहुत ही सुभग अवसर का एक कार्यकाल है और विश्व की जो स्थिति है उसमें भी भारत के लिए अनेक संभावनाएं लेकर के समय आया है। उन अवसरों को हम गंवा न दें, उन अवसरों का अधिकतम फायदा लेने के लिए भारत को हम सज्ज करें। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो वातावरण है उसमें हम बल प्रदान करें। उन बातों को लेकर के आने वाले दिनों में सरकार अपना काम तेज गति से आगे बढ़ाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि एक पल भी विराम का जाए। चरैवेति 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 के मंत्र को साकार करते हुए चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ध्येय प्राप्त करते रहें। इस मिजाज के साथ नई सरकार भी काम करे। उस संकल्प को मैं फिर एक बार देश के सामने दोहराता हूँ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक ऐसा मंत्र है जो भारत के हर क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वसमावेशक विषय के विकास के लिए बहुत ही उत्तम राह दिखाता है। सबकी सुरक्षा और राष्ट्र की समृद्धि, उसके प्रति भी प्रतिबद्धता के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देशवासियों का धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि नई सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपकी आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।